भाई आज कुछ ज्यादा ही तगड़ी स्नोफॉल पड़ रही है। नहीं मैं सुबह के 7 बजे अपने कुछ पिक्चर्स निकलवाने निकला हूँ, बड़ी खतरनाक स्नोफॉल चल रही है, ज्यादा टाइट हो चुकी है यार, स्नो बड़ी तगड़ी पड़ रही है। नहीं और अभी मैं फोटो स्टूडियो जा रहा हूँ यार, मुझे कॉलेज के लिए कुछ फोटो चाहिए थे, मैं लाना भूल गया था घर से, इसलिए दिक्कत हो रही है, और मुझे शॉप पता नहीं है, अकेले निकला हूँ, देखो अपने आप। मैंने फोटो वोटो जो चाहिए थे, डॉक्यूमेंट चाहिए थे, वो मैंने करवा लिए, बाकी अब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग प्रोसीजर के लिए जा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। इतनी सुबह यार पता नहीं क्या क्या काम करवा रहे हैं, पता नहीं एडमिशन दे रहे, पता नहीं क्या। हमने जो दिख रहा है आपको मेरा कॉलेज है, ये लोग स्नो हटा रहे हैं, आज काफ़ी स्नो डल गई है यार, अब प्रोसीजर करेंगे फिर यार एडमिशन लेंगे। बस 9 बज रहे हैं अभी तो यार यहाँ पर, ये मेरा कॉलेज है, अभी तो लॉकडाउन की वजह से बंद ही चल रहा था, अभी ओपन हुआ है कुछ ही दिन पहले। देखिए ये लॉबी है, अभी ऊपर जाके भी है, ये एंट्रेंस है, ये सामने। मैंने खुद अभी तक एक्सप्लोर नहीं करा अपना कॉलेज, आप लोगों के साथ ही कर रहा हूँ। चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है, चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं और क्या है। ये शायद 3rd फ्लोर लिखा होगा, कॉलेज तो बढ़िया लग रहा है यार, लगता है यार मैं गलत जगह आ गया, तो बंदे ज़्यादा ऊपर आ गए, लगता है वापस जाना पड़ेगा। चलो यार नीचे चलते हैं, पहली बार मैं खुद आया हूँ, ये कोरोना वायरस की वार्निंग लिखी हुई है, पता नहीं क्या था यार, पहली बार मैं खुद ही घूम रहा हूँ अकेले, वो भी मज़े आ रहे हैं। यहाँ पे शायद डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, बट अभी मुझे पढ़ना नहीं आता तो मैं समझ नहीं पा रहा। यहाँ पे वैसे मैप भी दे रखा है कॉलेज के लिए, आप लोग देख सकते हो, बट मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। बाकी बाहर देखो यार, स्नो कितनी गंदी हो रही है, हालत टाइट हो गई। नहीं और भी लौंडे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने जा रहे हैं भाई हम लोग। हेलो गाइस, अपने कुणाल भाई के साथ अपने, ये भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए मिल गए हैं भाई अपने, ये भी भाई अपने महाराष्ट्र से, मुंबई से ही कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई है, बहुत बढ़िया लग रहा है। विकास भाई ने मेरी बहुत हेल्प करी, ताकि आप लोग देख सकते हो यार, बड़ी तगड़ी बर्फ़ पड़ रही है आज, हालत ख़राब हो रही है, सब लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। दूसरी कंट्री आने में यार काफ़ी दिक्कत है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, और अपनी यार रास्ते भी नए होते हैं, और लोगों से इंटरेक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। बाकी जब तक यूक्रेनियन नहीं सीखता तब तक प्रॉब्लम होगी, बाकी फिर सब ठीक हो जाएगा हल्के हल्के। थैंक यू